इसलिए इस उम्र की जरूरत लाहक हुई के इसके शान नुजूल पर आपकी गहरी नजर रहे और आप इस अम्र को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि जिस फतह को फतह मुबीन कहा और जिस फतह मुबीन को इल्लत बनाया गया गुनाहाने माजी ओ मुस्तकबल के बख्शाइश की और फिर जिस फतह पर इन्हिसार इस उम्र का रखा गया कि नेमतें अब इसी फतह से तमाम होंगी व तिम्मा नेमतहु अलै और जिस फतह पर दारो मदार इस अम्र का रखा गया हो कि यह दिया का सिरातम मुस्तकीमा और सिरात मुस्तकीम की भी हिदायत मिलेगी और जिस फतह पर इन्हिसार इस अम्र का रखा गया वह यंसुरकल्लाहो नस्रन अजीजा और खुदावंद अली आला तेरी मदद करेगा वो मदद के जो किसी से मगलूब न हो। तो अब जिस शान फतह को आपने इस तफसील में देखा और जाहिर है कि ये तफसील जो आए वाफी हिदाया के तर्जमे से मुताल्लिक है किसी खास मजहब फिक्र किसी खास मकतब ख्याल या किसी खास मरजाए फिक्र ही से मरबूत नहीं है बल्कि आसान अरबी का आसान तर्जुमा है जो इस तरह से आपकी खिदमत में पेश किया गया ये बतलाने के लिए कि ये आए वाफी हिदाया जो फिलहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाकर अब पांच हिस्सों पर मुश्तमिल हो गई है आज की आयत के इजाफे से सही माना में इस बात का इंकशाफ कर रही है कि उस अहमियत को देखो जहां इंसान तारीकियों से हटकर जुल्मतों से दूर होकर अंधेरों से बचकर जब एक मर्तबा रोशनी में आता है तो उसके इम्कानात खौफ के कम हो जाते हैं खतर के कम हो जाते हैं खदशात कम हो जाते हैं अब ठोकर नहीं खाएगा अब लग्जिश नहीं होगी इसलिए कि ये फतह बाब है ये कशफ सदर है इसलिए कि ये वो मंजिल है जहां इर्तियाब की गुंजाइश नहीं जहां रैब का मकाम नहीं मुबीन फतह है खुली हुई फतह है और इस खुली हुई फतह में वो हकीकतें जाहिर हो जाती हैं कि जहां रोशनी का काम
सबसे पहले इंसान एहसास के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है इफ़हाम और तफ़हीम में, कि अगर रात अंधेरी हो और किसी मकाम पर कहीं से अगर चांद ने तुलू किया हो और कपड़े का साया अगर बिस्तर पर पड़ रहा हो और इंसान अगर फौरन ये न समझे कि ये कपड़े का साया है तो बार बार उठ के देखेगा कि शायद कोई झांक रहा है। ऐसे में अगर रोशनी हो जाए तो यकीनन न वो खतर चोर का बाकी रहा, न वो खदशा बाकी रहा, न वो धोखा बाकी रहा। बिल्कुल उसी तरह जब फतह मुबीन हो जाए तो सिरात मुस्तकीम भी है, नुसरत हक भी है, और उसके साथ साथ एक अजीब मंजिल है कि अल्लाह सुकून को नाजिल करता है कल्ब मोमिन पर। एक मर्तबा जहमत तो दूंगा मगर वापस जाएंगे फिर जहाँ ये सूरत नाजिल हुई है शान नुज़ूल पर गौर करते हुए। एक ऐसी तशखीस लाजिम है कि जहाँ खुद आपके लिए फतेह मुबीन हो, आपको मालूम है हर आन अगर आप किसी ऐसी महफिल में बैठे जहाँ एक लफ्ज का भी इजाफा आपके मालूमात में हो तो गोया एक नई शमा जली, गोया एक नई शमा जली। अगर आपको जरा सा भी कोई इल्म मिल गया तो गोया एक नया चराग रोशन हुआ। बिल्कुल उसी तरह अगर आपने इन मजलिसों में अपने मालूमात में थोड़ा सा इजाफा किया, इसलिए नहीं कि मैंने कोशिश की बल्कि इसलिए कि आप समझने के काबिल हो गए, वरना मेरी कजमज बयानी तो इस काबिल न थी कि मैं किसी को समझा सकूं। ये तो तौफीकात इलाही है कि जो जिसकी समझ में आ जाए और जो जिस तरह से फायदा उठाए। तो ऐसी मंजिल पर एक इजाफा आज कीजिए कि 1530 अस्हाबे रसूल रिजवानुल्लाह अलैहिम की तारीख हयात को जब्त किया है साहेब इस्तीआफ इब्ने अब्दुल बर ने, के जो कुर्तुबी है और 463 हिजरी में जिसका सने वफात है, और ये वो अहम शख्सियत है कि जो हर वाकये पर इतना जोर देता है कि जैसे आज कोई थीसिस का लिखने वाला स्कॉलर जैसे तहकीक और काविश में जद्दोजहद करे, इस तरह तारीख को जमा करता है। तो जिस मकाम पर इसने हर्फ खे से बहस की है और जहां खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन्हो का तस्करा हुआ है तो वहां ये बतलाया कि यही सुलह हुदैबिया थी कि जहां 200 सवार लेकर रसूल के मुकाबिल में दूर खड़े होकर सैफुल्लाह आवाज दे रहे थे कि अगर किसी ने मक्के का रुख किया तो उसकी खाक तक न पहचानी जाएगी। और इस तरह से इन्होंने इस
अपनी आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाने की कोशिश की कि पहले ही से सहमे हुए, घबराए हुए, डरे हुए जो साथी थे वो और भी परेशान हो गए कि ऐसा जंगजू दिलेर मुकाबिल में रसूल के खड़ा हुआ है। तो ये तारीख लिख रहे हैं साहेब इस्तियाब, और मौजज़ा ये है कि हाशिए पर एक सतर लिखी जिसका कोई ताल्लुक इस बुजुर्ग की तारीख से नहीं है। हाशिए पर सतर ये है कि छठी हिजरी में सुल्ले हुदैबिया, सातवीं में फतेह खैबर, आठवीं में फतेह मक्का, और फतेह मक्का के बाद इस बुजुर्ग का इस्लाम। हाशिए पर है, यानी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, मगर उन्होंने तारीखें दी कि छठी हिजरी सुल्ले हुदैबिया, सातवीं हिजरी फतेह कैबर, आठवीं हिजरी फतेह मक्का, और फिर इस्लाम। तो ऐसी मंजिल पर आपने देखा कि कौन कहां था सुल्ले हुदैबिया के मौके पर, कौन कहां था सुल्ले हुदैबिया के मौके पर। जाहिर है कि जो हजरात हमराह थे वो इसलिए घबरा रहे होंगे कि आप इस सूरे की तिलावत करके देखें कि जब ये 1500 घर से निकले थे तो अक्सर वो बीस्तर न जाने वाले मदीने में कह रहे थे कि इनमें से एक जिंदा बच के वापस नहीं आएगा। 29 आयतों का सूरा है, तर्जमे से तिलावत कीजिए, तफसीर की जरूरत नहीं। आपको आयत मिलेगी कि अहले मदीना कह रहे थे कि जा रहे हैं जाओ, इनमें से एक जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा, इसलिए कि वहां पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर रसूल हज की नीयत से आए तो आने दिया जाए और हम उनको खत्म कर दें। और फिर जान रहे थे अहले मदीना के ऐसे ऐसे बहादुर उस तरफ मौजूद हैं कि जिनके लिए बाद में रसूल फरमाने वाले हैं कि सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, तो वो रसूल के मुकाबिल में खिंची हुई थी। यानी ये एक ऐसी हकीकत है कि जहां इंसान हैरान होता है कि ईमान की भी क्या ताकत है कि किस तरह से ईमान इंसान को बदल देता है, किस तरह ईमान इंसान की हयात में इंकलाब पैदा कर देता है। देखिए कहां थे कहां आए, यानी कहां थे कहां आए, अजमतों से किसको इनकार है, अजमतों से किसको इनकार है। मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तारीख को पढ़ते हो तो इससे हद से पढ़ो कि कौन कहां था, कहां आया, कहां पहुंचा। अली की तेग से पूछो हर एक की तारीख, कहां है किसने कहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये मसाला भी याद रखने के काबिल है कि सुल्ले हुदैबिया में बज़ाहिर क़त्मी मर्तबत एक सुल्हनामा लिख रहे थे,
मगर अंदरूनी तौर पर एक ऐसी जंग की आग को दबाना चाहते थे, एक ऐसी जंग की आग को दबाना चाहते थे। बहुत गौर से सुनिए इन जुमलों को, जो अगर खंदक में भड़के तो रसूल को फिक्र न हो, जो खैबर में लगे तो रसूल एतना न करें, जो हुनैन में फैले तो रसूल को जर्रा बराबर ख्याल न हो, मगर जिसका ताल्लुक खाने हक से होने की वजह रसूल एहतराम जान रहा है अल्लाह के घर का। एहतराम जान रहा है काने हक का, वरना अभी खंदक को फतह कर लेने के बाद वो 200 सवारों की क्या बिसात थी उनके सिपह सालार समेत। मक्के वालों की मुकावेमत क्या थी अगर वो मुकाबले पे आते, अगर साहब वही एक मतलब यह तय करता हूँ कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं हज कर रहा हूँ, तो किसकी मजाल थी जो सरकार दो आलम को रोके। मगर यही जानकर कि अगर एक मतलब एक इंसान का लहू भी मेरी मौजूदगी में यहाँ बह गया सूरत जंग में, तो यही कहा जाएगा कि हुर्मत खाने हक का नबी ने ख्याल नहीं किया। तो आपने देखा कि ये घराना ही वो घराना है। नबी या वसी नबी चाहता नहीं है कि कान कावा में खून बहे, और इसलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इसरार के बावजूद हज को उम्रे से बदल कर हुसैन छोड़ देते हैं 8वीं ज़िलहिज को मक्का, और कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुम नहीं जानते खाने हक का एहतराम पेश नजर है, अगर यहां छिड़ जाए जंग तो यही कहा जाएगा कि मोहम्मद के नवासे ने जानते बूझते खाने हक की तौहीन की। देखिए अजीब मंजिल है और अजीब मकाम है, खाने हक हिफाजत चाहता है, खाने हक हिफाजत चाहता है, चाहता है कि कान हक की शान ये है, मन दखलहू कान आमना, जो दाखिल हो जाए वो मामून है। कान हक मकाम आमन है, कान हक का मुहाफिज मासूम है। बहुत गौर से सुनिए, कान हक का मुहाफिज मासूम है, अगर गैर मासूम वहां खूरेजी करे, अगर गैर मासूम वहां खूरेजी करे तो न तारीख में उसका कोई मकाम है, न मजहब में उसके लिए कोई जगह है, न वो आमर कोई काबिल जिक्र है, इसलिए कि सरासर जहालत है, तारीकी है, अंधेरा है, इसलिए उस जाहिल से तवक्को हिफाजत की नहीं की जा सकती। मेरी बातों को समझे, यानी आपके दिल में मुमकिन है यह शुभा पैदा हो कि कितनी मरतबा खाने काबा को तबाह किया गया, तो वो जिम्मेदारी न तो खाने हक की है, न तो खाने हक की है, न किताब हक में यह जिम्मेदारी कबूल की है। अगर
तारीकी ने, जहालत ने, अगर नाशनासी ने, अगर अदम मारिफत ने, अगर जुल्मों, उदमा उदवानों, शकावत ने ऐसी कोई हरकत की है, ऐसी कोई हरकत की है, तो हुर्मत काने का पर मुतासिर नहीं है। हाँ, अगर मासूम आ जाए बीच में, मासूम आ जाए बीच में, तो हुर्मत मुतासिर हो जाए, हुर्मत मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मासूम यह चाहता है कि अगर बिस्म का अल्लाहुम्मा लिखना पड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह, अगर मुहम्मदुन रसूलुल्लाह की जगह मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखना पड़े, और अगर सुलह के शरायत मुसलमानों के खिलाफ जाएं, तो कोई परवाह नहीं है, मैं इस काने हक की हुर्मत का मुहाफिज हूँ। ये क्या जाने के क्यों सुलह कर रहा हूँ और किस तरह से इनकी इबादत कर रहा हूँ, एक बरस के बाद बतलाऊंगा कि यही तलवार खींचने वाले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। यह मंजिल गौर के काबिल है, मैंने रहमत दी आपको, और मैं चाहता था कि मसाइल पर नजर रहे। जाहिर है कि मैं इस अहम मसाले को नहीं छोड़ सकता था, इस अहम मसाले को नहीं छोड़ सकता था, और जाहिर है आने वाली तकरीरों में भी और वाजे होता जाएगा, और वाजे होता जाएगा कि कौन कौन किस मकाम पर, किस मकाम पर मुदाफ़ात मक्का के लिए रसूल के खिलाफ शमशीर बकफ था, और 1500 आदमी को लिए हुए रसूल एक तरफ तो हुर्मत काबा को देख रहे थे कि मैं इसका मुहाफिज हूं, अगर से दूर हूं मक्के से, मगर मक्के की जमीन का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं रब बैत की मर्जी का नुमाइंदा हूं। रब बैत की मर्जी का नुमाइंदा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ देख रहे थे साथियों को, उनके हिरास को, उनके वहशत को, कि मक्के वाले जाते हुए, मदीने वाले जाते हुए ये कह चुके थे कि जिंदा बच के ना आओगे, तो ये अलग घबराहट थी, ये अलग घबराहट थी। इसलिए एक और वाकया, और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, सिलसिले में बहुत से वाकयात आपको मिलेंगे। तारीख इस्लाम का अहम तरीन वाकया है सुलह हुदैबिया, अहम तरीन वाकया है कि जिस पर बहुत तवील गुफ्तगू की जरूरत है। बहरहाल जब देखा कि एक मर्तबा कदम उखड़ है, और एक मर्तबा जब मदीने से खबर आई कि जिन जिन को एलती बना के भेजा था उसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी थे, और उनके कत्ल की खबर आ चुकी थी कि उनको भी कत्ल किया गया, तो पैगंबर इस्लाम ने देखा कि अब इनका मोराल, इनकी अखलाकी हालत तो बिल्कुल गिर गई है। एक मर्तबा आवाज दी, क्या कहते हो, क्या कहते हो, साथ दोगे मेरा? साथ दोगे मेरा या वापस जाओगे? देखिए, अब रसूल के पास तीन अम्र हैं, तीन अम्र, यानी अब ये पूछ रहे हैं रसूल, मेरा साथ दोगे या मदीना वापस जाओगे या मक्के की तरफ मुराजात करोगे जहां से चले थे? मक्के को जाना इसलिए नामुमकिन था कि जाहिर इंतकाम लिया जाएगा, मदीना रसूल को छोड़ के इसलिए जा नहीं सकते थे कि मदीने में मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे, साथ देना इसलिए मुश्किल था
कि क्या मालूम क्या खतरा है और किससे हमको दो चार होना पड़े। ऐसे में एक मतलब वही आई बयात लो, सुने हुदाय भैया का बयात लो, बयात लो। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से पूछा किस बात पर बयात ली गई, क्या इस बात पर बयात ली गई कि अब रसूल ही के साथ मर जाएंगे। कहा नहीं, बयात इस बात पर ली गई, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस दहलवी ताज कंपनी का कुरान उर्दू में छपा हुआ हाशिया मौजूद है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं बयात इस बात पर ली गई कि अल्लाह के रसूल हम भागेंगे नहीं। देख रहे अजीब मंजिल है, और आयत जब आप सुनेंगे तो फिर बेअख्तियार हो जाएंगे। मेरा दिल चाहता है कि कुरान का जौक रखने वाले इस मजलिस के बाद ही जाके वो आयत पढ़ें बयात की जो इस सूरे में खुदा राजी हुआ उन साहिबान ईमान से जिन्होंने तेरे हाथ पे बयात की, रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, उन साहिबान ईमान से राजी हुआ जिसने तेरे हाथ पे बयात की। तो शर्त बयात ये थी कि भागेंगे नहीं। कितने दरवाजे खुल गए, कितनी रोशनियां और तेज तर हो गईं। कहां कहां से हकीकतें नजर आएं, जाहिर है कि हम तो चाहते ही हैं कि हर मुस्लिम और हर मोमिन को दुनिया रज़ी अल्लाहु अन्हु कहे, मगर करार तो हो। करार तो हो, इसलिए कि यही करार है कि हुवा अल्लज़ी अंज़ला सकीनता अला कुलूबिल मोमिनीन, वही है जिसने सुकून को नाजिल किया साहिबान ईमान के दिलों पर। यानी जिन्होंने बयात की इस बात ने बयात की कि फरार नहीं करेंगे, जहां फरार नहीं करार है, जहां करार है वहां सुकून है, और जहां सुकून है अंजल सकीनत अला कुलूब المؤمنین ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم, ताकि उनके ईमान में और ईमान का इजाफा हो। وكان الله अलीमन हकीमा, खुदा अलीम भी है हकीम भी है। आपने तवज्जो की, अब इस मंजिल पर हम पहुंचे कि अब साहिबान ईमान पर सकीना का नुजूल है। क्यों है? इसलिए कि करार है दिल को, और जहां करार है सुकून है, जहां सुकून है ईमान में इजाफा है। मुफस्सरीन में और मुख्तलिफ तबकात उलमा में यह बहस छिड़ी हुई है, क्या ईमान में भी इजाफा होता है? एक बहस छिड़ी हुई है, क्या ईमान भी ज्यादा होता है? कुरान मजीद की इस आयत की सराहत के बाद ले यज़दादु ईमानन मा ईमानहिम, कि उनके ईमान पर और ईमान को हम ज्यादा करते हैं इसलिए सुकून को नाजिल करते हैं। इसके बावजूद अब शक की गुंजाइश क्या है भाई? जैसे जैसे आपके सामने दरवाजे खुलते जाएं यकीन बढ़ता जाएगा, जैसे यकीन बढ़ेगा ईमान बढ़ेगा।
ईमान बढ़ेगा। अब सिर्फ ये है कि ईमान की तारीफ क्या है, मासूम से पूछा गया वह मल ईमान, ईमान क्या है, मासूम से पूछा गया ईमान क्या है, आपने इरशाद फरमाया ईमान वो है कि जिसके बगैर कोई अमल कबूल ना हो। ईमान वो है कि जिसके बगैर कोई अमल कबूल ना हो। तो उसने पलट के फिर दरियाद किया कि वो खुद ईमान अमल है या कौल। इरशाद फरमाया ईमान, ईमान कुल ईमान, ऐन ईमान, हकीकत ईमान अमल है, और उसी अमल का नतीजा कौल है। यानी ईमान अमल है, उसी अमल का नतीजा कौल है। यानी इंसान की जिंदगी जिस सांचे में ढलती है, अगर वो कुछ और हो जो मर्ज़ी रब के खिलाफ हो तो वो ईमान नहीं, और अगर वही है जो मर्ज़ी रब के मुताबिक है मगर दिल में कुछ और है तो वो मुनाफिक है, ईमान नहीं। इस लिहाज से ईमान अमल और कौल दोनों की पुख्तगी का नाम है जहां मर्जी इलाही की पाबंदी की जाए। तो ईमान की तारीफ की कि जिसकी वजह से दूसरे अमल कबूल हो उसको ईमान कहते हैं। इरशाद हुआ ईमान पर ईमान बढ़ता है, ईमान में इजाफा होता है। यानी एक है जिसने कहा कलमा पढ़ के कि मैं मुस्लिम हूं, कुछ आया ईमान, अमल किया कुछ आया ईमान, समझा कुछ और आया, मारिफत पैदा की कुछ और आया, तकवा की मंजिल पर आया कुछ ईमान और बढ़ा, मोहब्बत पैदा कर ली कुछ और ईमान आया, एक लगन सी हो गई कुछ और ईमान बढ़ गया। और इस तरह से ईमान का बढ़ता जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधेरा छटता जाए और करीब हो तुलुए आफ्ताब के वक्त, ताकि ये मालूम हो कि देखिए रात इस तरह से कटी और अब दिन होने को है। इस तरह से ईमान में इजाफा होता है, ईमान में इजाफा होता है। तो ज़ियादत ये ईमान का अकीदा कुरान से साबित है। ईमान स्टेल नहीं है, ईमान जामिद नहीं है, ईमान एक दर्जे पे नहीं है, ईमान के दर्जे अलग अलग हैं। कौन किस दर्जे पर है नहीं मालूम, सलमान किस दर्जे पर हैं, बूजर किस दर्जे पर हैं, मेघदाद किस दर्जे पर हैं, अम्मार किस दर्जे पर हैं, हमको नहीं मालूम। हर एक के दर्जे अलग अलग हैं ईमान के। जो जिस निगाह से और जिस मोहब्बत से जाते रिसालत के करीब जा रहा है उसी तरह से उसके ईमान में दर्जे बनते जा रहे हैं। देखिए ये तमीज थी। अब आयत आखिरी पढ़ता हूँ, आज की तकरीर खत्म होगी, मगर सिर्फ इस्तेदलाल के लिए पढ़ रहा हूँ, याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आयत है सूरह तौबा की, सूरह बरात की, जिसकी तफसीर मैंने गुज़िश्ता से पहले यानी पैवस्ता साल की थी। गुज़िश्ता साल तो हमने बनी इसराइल की तफसीर की थी, इससे पहले साल सूरह बरात। इस सूरह बरात में जो कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से नवा सूरह है और तंजील के एतबार से आखिरी सूरह से पहले एक सूरह, यानी 113वां सूरह है तंजील के एतबार। और इस सूरे में जलाल ही जलाल है,
मैंने तफसील दी है, जब कभी तफसील की है, इस सूरे में जलाल ही जलाल है, जो शुरू ही इस तरह से होता है कि जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न हो, जहां बरातुम मिन अल्लाह व रसूल ही हो, अल्लाह और रसूल दूर हैं, वहां से शुरू होता है। तो उस सूरे की एक आयत यह है कि इजा मा उन्ज़िलत सूरतुन, जब कोई सूरा नाजिल होता है, फमिनहुम मन यकूल, तो ए रसूल इनमें वो लोग भी हैं। बड़ी अजीब बात है, देखिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूं 113 सूरे का निशान है तंजील के एतबार से, और कुरान कह रहा है जब सूरा नाजिल होता है तो इनमें वो लोग भी हैं। यहूदी मजूसी नसरानी का जिक्र नहीं है। इज़ामा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यकूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, यह सूरा आया तो तुम में से किसका ईमान बढ़ गया। सूरा नाजिल हो रहा है तो सामने बैठने वाले पूछ रहे हैं किसका ईमान बढ़ गया। सूरा आया, ये सूरह बरात की आयत है, आखिरी सूरतें हैं, आखिरी वही है, तरबियत मुकम्मल हो रही है। बड़ी हैरत है, बड़ी हैरत है अजीजो, बड़ी परेशानी है। इस सूरह को पढ़ने के बाद बाज़ वक़्त इंसान हैरान सा हैरान हो जाता है कि आखिर 23 बरस की मेहनत का नतीजा क्या है। 23 बरस की जहमत का आकर नतीजा क्या है, जबकि यह आयत मौजूद हो इस कुरान में कि इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यकूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, किसका ईमान बढ़ गया। फअम्मल्लज़ीना आमनु, बस वो लोग ऐ रसूल जो ईमान वाले हैं, ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून, उनका ईमान बढ़ गया और वो बशारत तलब हैं कि हमको खुशखबरी दो कि हमारा ईमान बढ़ गया। वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मगर जिनके दिलों में बीमारियां हैं, जैसे सूरे नाजिल होते जाते हैं, फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, वहां नजासत पर नजासत बढ़ती जाती है। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं या कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। वअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम वमातु, और इसी में मर जाएंगे, वहुम काफिरून, और वो कुफ्र की हालत में मरेंगे। तो आपने देखा दोनों तरफ इजाफा है। तलब है कि बढ़ाते जाओ अपने ईमान को और बढ़ाते जाओ। अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनु, जो ईमान वाले हैं बेशक ईमान बढ़ गया, वो हुम यस्तबशिरून। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, मगर जिनके दिलों में बीमारी है, यानी ये नहीं कहा जो काफिर हैं, कुरान मजीद है, देखिए कुरान मजीद है, ये नहीं कहा कि जो काफिर हैं, काफिरों से बहस ही नहीं है। यहां तो देखा जाता है कि दिल किसका सही उल मिजाज है, किसका दिल बीमार है। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन
इलाव रिच से हिम, तो वहां नजासत पर नजासत बढ़ती चली, यहां ईमान पर ईमान बढ़ता चला। जहां मरातिब होंगे वहां कोई मंजिल कमाल जरूर होगी। अब ये देखिए आखिरी जुमला, जहां मरातिब होंगे वहां कोई मंजिल कमाल होगी। अगर ईमान के मरातिब हैं तो किसी मकाम पर